I'm sorry, I've hurt myself. That's why I had to लिव Here, आप कह रहे थे कि मैं मुझे इस किताब में क्या पसंद आया ये मेरे दोस्त और ये मेरे कलीग भी हैं मैंने इनके अंडर काम किया है मुझे किताब पसंद आई ये राज कपूर जी की अलग किस्म की किताब है ये उनकी कला के ऊपर अबाउट हिज क्राफ्ट हाउ वी मेड हिज फिल्म वॉट ही थॉट थाट वेकिंग दो ये उस उसके बारे में है मुझे अच्छा लगा और मैंने मैंने और मेरे छोटे भाई ऋषि ने जो इनके दोस्त भी थे बहुत पसंद आई और हमें हम, हमने इनको बढ़ावा दिया कि इस किताब को लिखो कि लोगों को पता लगे कि राज कपूर जी ने क्या सोचकर ये सीन लिया क्या सोचकर कर ये शॉट लिया क्योंकि ये उनके साथ में असिस्टेंट थे बहुत सारे सालों तक मेरा नाम जोकर में भी बॉबी में भी और इन्होंने बहुत अच्छी तरह अपनी किताब में उनको दिखाया तो दैट इज वाई आई आई लाइक विमोचन उपराष्ट्रपति के हाथ हुआ था वेंकैया नायडू जी ने किया था तो जा, 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 उसका अनुभव कैसा रहा इट वॉज अ वेरी प्राउड डे फॉर ऑल ऑफ एंड वी आर थैंकफुल टू हिम बुक राहुल जी मैं आपका रुख करता हूँ uh, क्या कुछ आपने राज कपूर जी के, uh, के बारे में और उनके वर्किंग स्टाइल से सीखा जो आपने अपने क्राफ्ट में तो अपनाया ही, पर अब आप जो बडिंग फिल्म मेकर्स है उनके क्राफ्ट में भी अपनाना चाह रहे हैं इस वजह से आपने किताब लिखी है, uh, जो भी मैंने सीखा है वो राह की वजह से ही सीखा है मी लर्निंग वट एवर इज एंड जब मैं किताब शुरू करा था लिखना तो मैं कृष्णा आंटी के पास गया था जो डबू साहब की मदर उनके पास गया था मैंने कहा कि ये किताब मैं सोच रहा हूँ आंटी लिखने के लिए तो उन्होंने कहा राहुल तुम यू आर दी ओनली लिविंग पर्सन हु नोज वॉट माई हजबेंड डिड एंड हाउ ही वर्क इन दिस क्राफ्ट तुम अगर ये किताब नहीं लिखोगे तो मेरे हस्बैंड का क्राफ्ट हमेशा के लिए चले जाएगा नोबडी लेबल टू टेल द वर्ल्ड व्हाट इट इज सो दो वर्ड्स विच इनक्रेज मी टू राइट दिस बुक एंड इज रिटन अबाउट राज कपूर का क्राफ्ट क्या था वो शॉट क्यों लेते थे उसकी सोच क्या थी फिर उनकी क्वकीनेस क्या थी हर जीनस में कुछ ना कुछ एक क्विकनेस होता है उनको खाने का शौक़ जो था और uh, मेरी चार फिल्मों में उनका कितना असर पड़ा था ये सब इस किताब में है और यही चाहूँगा मैं कि लोग पढ़ें तो पता लगेगा कि राज कपूर वाई ही डिड थिंग्स जब किताब लिख रहे थे तो सर्टिन चैप्टर्स जो कुछ लोगों को हमने दिया था इंडस्ट्री के बाहर के उनको मैंने दिया था पढ़ने के लिए तो उनका फीडबैक ये मिला मुझे कि राहुल ये पढ़ने के बाद जैसे ये चैप्टर संगम के बारे में पढ़ने के बाद मैंने YouTube खोल के संगम का वो ही सीन देखा जो तुमने डिस्क्राइब किया था एंड आई सॉ इट फ्रॉम अ डिफरेंट लाइट कि मेकर को क्या इसके से था वॉट इज इन माइंड दैट इज दिस बुक इज ऑल अबाउट कोई ऐसा किस्सा आप सुनाना चाहेंगे बुक में तो काफी किस्से हैं काफी कुछ लिखा गया है पर हमारे दर्शकों को एक झलक देना चाहेंगे बॉबी uh, के दिनों का मेरा नाम जोकर के दिनों का कोई एक ऐसा किस्सा बींग ऑन द सेट्स ऑफ राज कपूर वेल किस्से बहुत हैं इट्स ऑल पार्ट ऑफ द बुक एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक वन इंसिडेंट हाँ एक था राज साहब का कि राज साहब ने एक्टर्स को बहुत प्यार से हैंडल करते थे तो जो बॉबी में कर रहे थे तो प्रेमनाथ जी भी काम कर रहे थे उसमें और uh, शॉट खत्म होता था तो प्रेमनाथ जी खुद ही बोलते थे वेरी गुड वेरी गुड वंडरफुल इट कान बी बेटर अच्छा अब राज साहब को लगा कि इसमें कुछ और करना चाहिए बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट प्रेम नाथ तो राज साहब बोलते थे यस yes, प्रेम इट वॉज वेरी गुड और एकदम से टर्न करते थे मेरी तक और बोले राहुल वॉट यू वॉन्ट टू से अब आई नेवर सेड एनी थिंग टू इट एन एन एक मिनट एन माई योर एंड ही विस्पेंड माई यर इन सेल्फ जस्ट मूव योर लिप्स डोंट से एनी थिंग तो आई वुड जस्ट मूव माई लिप्स एंड ही वुड टर्न टू प्रेम नाथ इन सेल्फ we all love this shot, but rahul doesn't like it. would would me a dirty look, and rahul would say, look. chalo, bhattacharya, assistant, he feels this dialogue should be emphasized over here. so one more take is be taken. Chali ek baar i had a dirty look from pramod, but this happened again, and it happened again, until one day Premnath ji called me to his makeup room and said, दिस इज द लैंग्वेज यूज कि तुम हाँ तुमको ये क्यों है कि मेरा हर शॉट सब लोग ताली बजाते हैं तुमको पसंद नहीं आता वाई ओनली यू वॉट इज द रीजन बिहाइंड दैट एंड बिलीव मी टू मी दैट वॉज द मोस्ट टेरिफाइंग ऑफ माई लाइफ कि कहीं प्रेम उठ के सफर नहीं मारते मेरे को बट आई आई कुंडल्प इट बॉस इट इट राहुल इससे पहले मैं आपका रुख करूँ बहुत जल्द मैं वापस रणधीर जी के पास लौटता हूं क्योंकि जैसे आपके दोस्त राहुल अभी आपको पुकार रहे थे डब्बू जी तो मैं ये सवाल जरूर आपसे पूछूंगा काफी दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये नाम आप तीनों भाइयों को कैसे मिले डब्बू चिंटू चिंपू इस मंच पे आप चाहते हैं मैं ये चीज बताऊं <laughs> राजनीति के बहुत चर्चे हो गए अब हम उससे हट रहे हैं नहीं जब मैं पैदा हुआ था तो बहुत गोरा था तो मेरे पिता सोच रहे थे कि इसका नाम क्या रखना चाहिए तो मेरे दादाजी के पास एक कुत्ता था जो सफ़ेद रंग का था और बहुत प्यारा था तो इसे उस कुत्ते का नाम डब्बू था तो बोले तुम इसका नाम डब्बू रख दो तो वैसे मेरा नाम डब्बू मिला और चिंटू चिंपू चिंटू को मैंने चिंटू छोटा सा था तो मैंने बोला एक छोटे से चिंटूबिया लंबी सी पूछ जहाँ जाए चिंटू भी यहाँ वहाँ जाए पूछ क्योंकि तो सब लोग बड़े नौकर चाकर थे सब जाए और मेरे पिता राजीव जो सबसे छोटा था उसको चैंपियन बुलाते थे तो हम लोग ने उसको चिंपू बुलाना शुरू कर दिया बट हमने अपने नाम इतने डिस्टोर्ट और ख़राब कर दिए हैं कि ऋषि ने अपने बच्चों के नाम देर इज नो पैटनिम फॉर रणबीर एंड देर इज नो पैटनिम फॉर दीमा

ज़रा बताएं कि आपका समर्थन इस किताब को कैसे मिला वॉट वो स्पेशल अबाउट दिस बुक दैट कन्विंस यू ऑल्सो टू बी पार्ट ऑफ द टीम जैसे आप कह रहे हैं आप इतना इंटेग्रल हिस्से हैं इस टीम के योर ऑल सेट टू गो ऑन अ अक टूअर नाउ तो ज़रा बताएं इसके बारे में हाउ यू केम ऑन बोर्ड और आप भी एज अ फिल्म मेकर एज अ फिल्म प्रोड्यूसर राज जी से uh, कैसे इंस्पायर हो uh, नमस्कार गुड इवनिंग एवरीबॉडी uh, मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Uh, जैसे आप सभी से कुछ लोग जानते हैं कि मैं पत्रकारिता और फिर ब्रांड मैनेजमेंट से होते हुए uh, फिल्मों के तरफ मैंने रुख किया तो राज जी फिल्मों में आने से पहले भी एज ए जर्नलिस्ट मैं बहुत पढ़ा करता था उनके बारे में लेकिन जब मैं अपनी पहली फिल्म बना रहा था साई बीवी और गैंगस्टर दस बारह साल पहले तो उस समय के मेरे जो नए मित्र बने डायरेक्टर एक्टर सब कहते थे यार राज कपूर साहब ऐसा करते थे राज कपूर साहब Uh, सुबह की शिफ्ट उन्हें पसंद नहीं थी उनके कारण एक नई शिफ्ट बनी uh, दो टू पी एम टू टेन पी एम राधर देन नाइन टू सिक्स इस तरह के बहुत मज़ेदार किस्से थे लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ uh, मुझे उनके बारे में लोगों से मालूम हुई वो थी उनका कंपैशन और जिस तरह से वो जुड़ते थे लोगों के साथ जिस तरह से एक्टर्स को ट्रीट करते थे जिस तरह से उनकी रुचि रहती थी हर एक उनकी दखल रहती थी पॉजिटिव तरीके से हर एक डिपार्टमेंट में फिल्म मेकिंग उसने मुझे बहुत आ, आकर्षित किया और आ, मैं कोशिश करता हूं कि जो जितनी भी मैंने फिल्में बनाई हैं अभी कुछ 10-12 साल में ऑलमोस्ट 15-16 फिल्में मेरे हाथों से निकली हैं बट मेरे कंटेंट के ऊपर आंख रहता है नज़र रहती है तो आ, अभी सीखने को इतना कुछ मिल रहा है क्योंकि अभी तो मैं जब पहली दफ़ा राहुल जी ने मुझे कहा कि एस एस आई एम राइटिंग अ बुक और मैंने कुछ एक्सर्व्स पढ़े तो मेरे लिए मौका था साथ में जुड़ने का भी और सीखने का और जैसे आप देख रहे हैं एक हमारा ग्रैंड टूर चल रहा है कल हम लखनऊ जा रहे हैं उसके बाद हम दोनों कन्विंस कर रहे हैं डब्बू जी को ईटानगर ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर में <laughs> और बहुत सारी और जगह हम जाएंगे तो इस तरह से मैं जुड़ा हूँ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट आई एम आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट जर्नी जी बिल्कुल कोई ऐसे खास फिल्म राज कपूर जी की विच इज़ योर फेवरेट सी यूड बी सरप्राइज दैट मेरी क्या सारी फिल्में फिर फिल्म, लेकिन मेरी खुद की फेवरेट जो फिल्म है वो बीवी ओ बीवी है

because the first time a teenage love story was made, you know, otherwise we had teenage love stories with the oldest actors in them, playing teenagers. so these two films are revolutionary, according to me. all his films have been, but these two are the most revolutionary films. randhir ji, aapke koi favorite films ek yado yatin. meri <laughs> favorite film फिल्में अच्छी हैं आप देखिए चार सौ बीस कैन बी मेड टूडे वो तो आज की कहानी है तो ही वॉज हेड ऑफ इसम फॉर फिल्म फॉर दैट वे चार देडल मैसेज ग्रेट सोशल मैसेज लेकिन वो नरेटिव इतना इंटरेस्टिंग था जिस तरह से राज कपूर साहब पेश करते थे और उनके ऑल द डिपार्टमेंट्स यू सी क्राफ्ट्स चाहे वो संगीत था लिखावट थी डायरेक्शन थी तो वो ऐसा लगता नहीं था कि आपको लेक्चर मिल रहा है किसी चीज़ का आजकल कुछ आप देखते हैं कुछ फिल्मों में या ज़्यादा जिंगोइज्म हो जाता है नेशनलिज्म की जगह वो जिंगोइज्म की तरह बढ़ते हैं या बहुत एक हार्ड हिटिंग सोशल मैसेज बिकॉज एंड ऑफ द डे ऑडियंस वॉन्ट टू बी एंटरटेन दे डोंट नीड अ लेक्चर सो वो मेरे ख्याल राज कपूर साहब की बहुत खासियत थी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि समय कम है रणधीर जी क्या आपको ये भी लगता है कि फिल्म एक सॉफ्ट पार का जरिया है आज काफ़ी मंत्री आए हैं यहाँ और विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हुई है डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय क्या आपको लगता है अंतर्राष्ट्रीय जगत की जब बात की जाए तो फिल्म एक जरिया है टू ब्रिंग कंट्रीज क्लोजर। और शायद राज कपूर जी ने भी किया था रशिया के साथ एक उदाहरण है जब आवारा हूँ और ऐसे गाने रशिया में अब तक गुनगुनाए जाते हैं आज भी गुनगुना रहे हैं एंड हमारी फिल्में वहाँ बहुत चलती हैं तो फिल्म्स के दरिया के थ्रू आज हम पहुँच रहे हैं वहाँ एंड दे आर ग्रेटली अप्रिशिएटेड एंड दे आर कमिंग दे हैविंग अ लुक इन टू इंडिया विद थ्रू दो फिल्म हम, हम uh, देख सकते हैं कि आज आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है जो हमारे एन आर आईज अमेरिका में इतने हैं इंग्लैंड में है वो अपने बच्चों को फिल्में दिखा के जबान से गा रहे हैं मैंने मैंने खुद देखा है कि बच्चों को सब बच्चों को फोर्स करते हैं पिक्चर देखो वो जब, जबान बोलेंगे और एंड इट बी अ विंडो फॉर देम टू सी हाउ हाउ वी लिव एंड हाउ वी हाउ वी ऑपरेट अवर लाइफ कोई ऐसा किस्सा हुआ है जब आप शौक हो गए विलेज जाके और वहाँ पे कोई फॉरेनर या एन कुछ गुनगुनाने लगा या कोई डायलॉग बोला आपको देख कर कई बार मैं, मैं कई बार रूस गया हूँ चीन गया हूँ वो देख कर पहले तो पूछते हैं कि तुम कपूर के कुछ हो क्या तुम्हारी शक्ल उससे लगती है और फिर गाना गाते हैं आवारा हो अभी भी गाते हैं अभी कुछ ही दिन पहले हम उज़्बेकिस्तान में थे और वहाँ बहुत ढेर सारे फैंस हैं राज कपूर जी के और अभी भी वही गाने गुड़ गुनाते हैं उनके उनके लिए सिनेमा वही ख़त्म हो गया उसके बाद वो कोई फिल्में वहाँ पे उस तरह से ना चलती हैं ना है। कपूर साहब कुछ आखिरी संदेश आप देना चाहेंगे आपके किताब के बारे में लोगों को जो आपको आज दर्शक देख रहे हैं राहुल जी मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि प्लीज़ यहाँ से निकलते ही कोई बुक स्टोर होगा वहां बुक खरीद लीजिए जरूर और पढ़िए बुक दैट्स ओनली One. I really hope that, uh, जो भी वो किताब पढ़े दे इन्जॉय दी होल थिंग एंड इट्स वाई राजूर वॉज राज मैसेज विच आई थिंक इट है राहुल आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आ रहा है रिस्पॉन्स so, बहुत ही बढ़िया है हम सभी के फ्रेंड्स यू नो बता रहे हैं मैसेज कर रहे हैं और

ट ऑनर एंड देट लव क्योंकि आप मंच पर हैं कम वक्त आ, मिलता है आपसे रूबरू होने का आ, तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि आ, ये जो कोविड का दौर है वो आपके लिए कैसा गुजरा है आ, क्योंकि बहुत ही अलग ये दुनिया है जो आ, पिछले दो साल में आपके लिए वैसा ही गुजरा है जैसा आपके लिए है मेरे लिए भी मैं भी बीमार हो चुका हूँ आज मेरी दो बेटी एक बेटी बीमार है और शीज मच बेटर एंड शीड बी फाइन

आपके करियर को जब आप देखते हैं तो कोई ऐसी फिल्म दैट यू आर द मोस्ट प्राउड ऑफ खुद के मुंह से फिल्म चल जाए वो अच्छी है जो तो नहीं चली वो वो नहीं होता ऐसी नहीं नहीं, नहीं वो ज़माना और था वो उड़ान और थी वो दौर और था लोग और थे देखने वाले और थे बनाने वाले और थे वो ज़माना ही और था और हमने बहुत अच्छा ज़माना देखा है